भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। गूंगे बहरे मूक बधिर पुजारी को भू माफिया उठा के लाए, मारपीट की और जबरन रजिस्ट्री करा ली। तो देखें सपोटरा में एक पुजारी को जला के मार दिया जाता है, जमीन का कब्जा होता है। खंडार में इसी प्रकार एक पुजारी को मार के जमीन का मंदिर माफिया की जमीन का कब्जा होता है। भगवा में एक पुजारी को मार के जमीन का कब्जा होता है। ये चौथी घटना जो हमारी जानकारी में है। मैं देखिए राजस्थान के इतिहास का पहला मौका है कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर शव रखकर न्याय के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा हो। 6 दिन से इनके गांव में जहां पर इनकी मौत हुई है वहां पर लोग धरना देकर बैठे थे, इनकी बॉडी के साथ बैठे थे न्याय दिलाने के लिए। खाली की जो अभियुक्त है उनको गिरफ्तार किया जाए, जो इनके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय किया जाए। राजस्थान के दौसा जिले में एक पुजारी की मौत के बाद पूरा मुद्दा बवाल पकड़ चुका है। इस समय आप देख सकते हैं कैसे राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजकीय निवास से महज करीबन 400 मीटर की दूरी पर बीजेपी के कई नेता यहां पर आकर धरना दे रहे हैं और इनके पास में है पुजारी की जो मृत शव है वो इन्होंने यहां पर रखा हुआ है और इनकी मांग है कि पुजारी के जो कथित हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के कई नेता यहां पर आए हुए हैं। सर यहां पर आप धरना दे रहे हैं, पहले जो धरना है वो महुआ में दिया जा रहा था, क्या आप लोगों की मुख्य मांग है और कब तक आप यहाँ पे रहेंगे? देखिए कोई ये विषय अचानक नहीं आया, पिछले 3-4 महीने में देखें सपोटरा में एक पुजारी को जला के मार दिया जाता है, जमीन पर कब्जा होता है। खंडार में इसी प्रकार एक पुजारी को मार के जमीन पर मंदिर माफिया की जमीन पर कब्जा होता है। महुआ में एक पुजारी को मार के जमीन पर कब्जा होता है। ये चौथी घटना जो हमारी जानकारी में है वो इसी प्रकार शंभू की जमीन पर कब्जा होता है। 26 तारीख को फर्जी रजिस्ट्री की FIR दर्ज होती है 420 में, कोई कार्रवाई नहीं। 2 तारीख को मृत्यु होती है, नामजद FIR, कोई कार्रवाई नहीं। अरुण जी यहाँ पर आप आए हुए हैं और यहाँ पर ये जो मुख्य सड़क है ये आपने इस समय यहाँ पर आपने ब्लॉक की हुई है, तो आपको क्या लगता है पूरी स्थिति का क्या सॉल्यूशन है? हम यहाँ मजबूरी में आए, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर बैठे थे इसको लेकर के, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा 7 दिन तक उनके जू नहीं रहेंगी। करीबन 6 दिन तक पुजारी की का जो मृत शव है वो लेकर महुआ में बैठे रहे। आप बताएं कि कब तक यहाँ पर आप लोग धरना देंगे और क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या किसी नेता से सरकार में आपकी बातचीत हुई है इस बारे में? मैं देखिए राजस्थान के इतिहास का पहला मौका है कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर शव रखकर न्याय के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा हो। 6 दिन से इनके गांव में जहां पर इनकी मौत हुई है वहां पर लोग धरना देकर बैठे थे, इनकी बॉडी के साथ बैठे थे न्याय दिलाने के लिए। खाली की जो अभियुक्त है उनको गिरफ्तार किया जाए, जो इनके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय किया जाए, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। आज हम लोग मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर यहां धरना देकर बैठे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे। नेता भी हैं किरोड़ी लाल मीणा हैं जो कि 6 दिन से करीबन धरना दे रहे थे। किरोड़ी जी आप यहां पे पहुंच गए हैं, पहले आप महुआ में धरना दे रहे थे, क्या आपको लगता है कि यहां पर आने से कोई सॉल्यूशन होगा? मैं धरना दे रहे थे इसलिए कि गूंगे बहरे मूक बधिर पुजारी को भू माफिया उठा के लाए, मारपीट की और जबरन रजिस्ट्री करा दी। हमारी वहां मांग थी कि भाई जिन्होंने अपराध किया है फर्जी रजिस्ट्री कराई है उनको गिरफ्तार किया जाए और मंदिर माफी की जमीन पर जितने भी वो कब्जे हैं वो ध्वस्त किए जाएं। जब सरकार ने वहां बात नहीं सुनी तो हम राज्य के मुखिया के दरवाजे पर आकर बैठे। यहां पर कब तक रुकेंगे सर, कब तक धरना देंगे? देखो बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा ये है कि राजस्थान में 30,000 बीघा जमीन मंदिर माफी की है जिसमें 18,000 बीघा जमीन पर कब्जा है, तो इशू बड़ा है, लंबा चलेगा, सरकार अड़ेगी, लेकिन हम लड़ेंगे डेमोक्रेटिक राइट के लिए, पुजारियों की हत्या नहीं हो। सरकार अड़ेगी पर हम लड़ेंगे, ये कहना है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जो कि लंबे समय से इस मुद्दे पर धरना दे रहे हैं और दौसा के महुआ से यहां पर पहुंच चुके हैं महज 400 मीटर की करीब दूरी पर। और पुलिस वहां लोगों पर लाठी चार्ज कर रही है, वहां को तितर बितर करके असुर गैस चला रही है उस शव को लेने के लिए जिस ताबूत में बर्फ की सिल्ली मिली थी। यहाँ पर ये मुद्दा जो है वो बड़ा बन चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कैमरा पर्सन दिखाएं किस तरह से तमाम ये जो लोग हैं विप्र सेना से और जो राजनेता जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं भाजपा के वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में न्याय मिले। कैमरा पर्सन चेतन के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर। न्यूज तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी।